दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सूजी से बने हुए बहुत ही बढ़िया हेल्दी टेस्टी नाश्ते की रेसिपी। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इसको आप स्टोर करके एक सप्ताह तक रख सकते हैं और जब भी आपका मन करे तो गर्मा गर्म खा सकते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं ये सूजी से बने हुए हेल्दी टेस्टी नाश्ते की रेसिपी। सबसे पहले हम एक छोटी थाली लेंगे और इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। आप चाहे तो थाली की जगह पे कोई प्लेट ले सकते हैं। तो अभी इस थाली को साइड में रख देंगे और एक बड़ा बाउल लेंगे, इसमें एक कप सूजी डालेंगे। सूजी आप यहाँ पे मोटी महीन कोई भी ले सकते हैं। और इसमें हाफ कप दही डाल देंगे। मैं यहाँ पे थोड़ी खट्टी दही ले रही हूँ, आप ताजी दही भी ले सकते हैं। तो पहले दही और सूजी को अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसमें हाफ कप पानी डाल देंगे और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। फिर से अच्छी तरह से मिलाएंगे, लम्स बिल्कुल ना रहे। तो अभी हम इसको ढक के 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि सूजी अच्छी तरह से फूल जाए। 10 मिनट बाद हम एक कढ़ाही लेंगे, इसमें एक गिलास पानी डालेंगे और कढ़ाही में एक स्टैंड रख देंगे। आप चाहे तो कोई भारी कटोरी उल्टा करके रख सकते हैं। ढक देंगे और गैस पे चढ़ा देंगे ताकि पानी में उबाल आने लगे। तो कढ़ाही हम पहले से ही तैयार करके रख लेंगे। और यहाँ पे सूजी अच्छी तरह से फूल गई है लेकिन थोड़ी गाढ़ी हो गई है, तो इसमें 3 से 4 टेबल स्पून पानी और डाल देंगे और फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इसकी कंसिस्टेंसी आप देख पा रहे होंगे किस तरह से है, ना तो बहुत ज्यादा गाढ़ी होनी चाहिए ना तो बहुत ज्यादा पतली होनी चाहिए। अब इसमें डाल देंगे 2 चुटकी मीठा सोडा, खाने वाला सोडा भी इसको बोलते हैं, और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको ग्रीस किए हुए थाली में ट्रांसफर कर देंगे। और इस तरह से करके अच्छे से सेट कर देंगे, एक बराबर हो जाए। पानी में भी उबाल आ रहा है तो अब हम इसको कढ़ाही में रख देंगे और कवर कर देंगे। इसको पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, हाई गैस फ्लेम पे 4 से 5 मिनट लगता है। लगभग 5 मिनट के बाद चेक करेंगे, आप देख पा रहे होंगे बहुत अच्छे से ये पक गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब गैस फ्लेम ऑफ कर देंगे और थाली को कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तब फिर हम इसको कट करेंगे। अच्छी तरीके से ये ठंडा हो गया है, अब इसके साइड को पहले क्लियर कर लेंगे और उसके बाद अपने मनपसंद आकार में कट कर लेंगे। मेरा यकीन मानिए दोस्तों, आपको ये नाश्ता बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप इसको पहले से ही बना के रख लीजिए और जब खाना हो तो गर्मा गर्म बना के खा सकते हैं। टेस्टी होने के साथ साथ ये काफी हेल्दी भी होता है। तो इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है, तो बहुत आसानी से ये निकल जाता है। सारे पीस को इस तरह से अलग कर लेंगे। अब इसको आप चाहें तो एक एयरटाइट डिब्बे में करके और फ्रिज में रख लीजिए, तो सप्ताह भर आप इसका नाश्ता बना के खा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा ज्यादा बनाई हूँ तो आधा मैं रख दे रही हूँ फ्रिज में। इसको रखने के लिए ध्यान रखिए कि एयरटाइट डिब्बे में रखिए या जिप लॉक पॉलीथीन आता है उसमें करके फिर किसी डिब्बे में रख दीजिए। तो आधा मैं अभी बना के आपको दिखा रही हूँ और आधा मैं फ्रिज में रख ले रही हूँ बाद में बनाने के लिए। तो अब हम एक कढ़ाही लेंगे, कढ़ाही में लगभग 2 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होगा आधा छोटा चम्मच के लगभग साबुत जीरा डाल देंगे और जीरा चटकते ही एक बड़ा प्याज छोटे टुकड़े में कटा हुआ डाल देंगे। तो बस प्याज को हल्का सा फ्राई करेंगे, कलर नहीं लाना है, बस ट्रांसलूसेंट होने तक इसको फ्राई करेंगे।
तो आप देख पा रहे होंगे इस पे कलर नहीं आया है। अब इस पे डाल देंगे कुछ सब्जियां। तो मैंने यहाँ पे टमाटर लिया है और गाजर है, शिमला मिर्च है और लोबिया है, इसको बोड़ा भी बोला जाता है, लोबिया भी बोला जाता है। तो आप अपनी पसंद अनुसार सब्जियां इसमें डाल सकते हैं और जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में सब्जियां डाल सकते हैं। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और ध्यान में रख के डालेंगे कि सूजी में भी नमक डाले थे। चला देंगे। अब इसको कवर कर देंगे और थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते हुए हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे। आप अपनी पसंद अनुसार सॉफ्ट कर सकते हैं, चाहे तो क्रंची रखें या बिल्कुल सॉफ्ट कर लें। अब हम इसमें कुछ मसाले डाल देंगे। तो एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे और आधा छोटा चम्मच से थोड़ा सा कम हल्दी पाउडर और एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। वैसे तीखा आप अपनी पसंद अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। और आधा छोटा चम्मच आमचूर पाउडर डाल देंगे। आप चाहें तो चाट मसाला डाल सकते हैं। तो कुछ सेकंड के लिए मसालों को भून लेंगे। अब इसमें डाल देंगे एक टेबल स्पून सफेद तिल। सफेद तिल हम बाद में डालेंगे जिससे सॉफ्ट ना पड़े, क्रंची बना रहे। और अब डाल देंगे एक हरी मिर्च छोटे टुकड़े में कटी हुई। अब इसमें ये कट की हुई सूजी की बर्फी डाल देंगे और खूब अच्छे से मिला देंगे ताकि सारे मसाले इसके ऊपर अच्छे से लग जाएं। तो बस इसको बहुत ज्यादा देर भूनने की जरूरत नहीं है। जैसे ही मसाले अच्छे से इस पे लग जाएंगे तुरंत हम गैस फ्लेम ऑफ कर देंगे और थोड़ी सी धनिया पत्ती से गार्निश कर देंगे। तो बहुत ही बढ़िया हेल्दी टेस्टी सूजी से बना हुआ नाश्ता तैयार है। अब हम इसको सर्व करेंगे। तो दोस्तों आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत जल्द फिर मिलते हैं एक आसान सी नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।